Today we will discuss about the bronchial asthma. It is due to the high responsiveness of the bronchial tree. Responsiveness of the bronchial tree is due to the various stimuli like dust particle, pollen grains, hypersensitivity, etc. Its definition is it is a proximal attack of dyspnea with a short inspiratory effort and prolonged expiration, especially during the expiration due to the narrowing of the bronchial tree. It may occur at any age, but before the age of 10, it is mostly found in the 50% of the cases. Before the age of 10, boys are 2 times more affected than the females. Or in the adults, both sexes are equally affected. अब इसके बाद है इसकी etiopathology. ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है. Its main cause is the overaction of the vagus nerve. Vagus nerve की overaction होती है hypersensitivity के कारण, किसी allergy के कारण. Vagus nerve क्या करती है, it cause constriction of the bronchial muscle which is attached to the bronchial tree. उसके कारण bronchial lumen छोटी हो जाती है. उसके छोटी होने के और अदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, जैसे कि ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन हो जाए, उसके कारण वहाँ पे म्यूकस क्रिएट होती है. म्यूकस बाद में थिक हो जाती है, उसको टीनेशियस कहते हैं, वो भी ल्यूमन को छोटा कर देती है. फिर क्या है, बाहर से सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं जोर लगा के, तो उसके कारण कुछ हिमरेजिक स्पॉट्स भी बन जाते हैं, वो भी ल्यूमन को छोटा कर देते हैं. इसके अलावा क्या होता है, कई बार जो बार बार रिपीटेड अटैक ऑफ अस्थमा आते हैं, उसके कारण ब्रोंकियल मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो भी ल्यूमेन को छोटा कर देते हैं. इसके अलावा वहाँ पे ईसिनोफिल के इकट्ठे होने से भी रास्ता छोटा हो जाता है. तो इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, ब्रोंकियल ल्यूमेन हाफ या 1/3 रह जाती है, और जो छोटी छोटी ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो तो ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं. फिर इसके बाद है इसकी कारण, एक तो इसके प्रीडिस्पोसिंग फैक्टर हैं जो अस्थमा होने में हेल्प करते हैं, खुद अस्थमा क्रिएट नहीं करते हैं, जैसे कि देर इज़ ए फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी. उस पेशेंट को या उसके पेशेंट के अटेंडेंट को, पेरेंट्स को एलर्जी की कोई हिस्ट्री मिलती है, जैसे कि अर्टिकेरिया है, हे फीवर है, माइग्रेन है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एक्जिमा है. ये हो गया हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी. दूसरा इसका कारण हो सकता है साइकोलॉजिकल. द पेशेंट्स आर ऑलवेज वेरी हाइपर सेंसिटिव. हाइपर सेंसिटिविटी, छोटी छोटी बात पे जो गुस्सा कर जाते हैं, छोटी छोटी बात उनको पिंच कर जाती है, ऐसे लोगों में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने से वागस नर्व जल्दी स्टिमुलेट हो जाती है. तीसरा इसका कारण है एनी कॉज विच कॉज द लोअर हेल्थ, जैसे कि कोई लंग्स की कोई बीमारी हो, जैसे निमोनिया है, मील्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये लंग्स की वाइटलिटी को कम कर देते हैं, जिसके कारण अस्थमा आने के चांसेस बन जाते हैं. चौथा कारण होता है एंडोक्राइनल हार्मोनल, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है. ये मेंसुरेशन जब स्टार्ट होती है, उस टाइम पे अगर फीमेल को अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाए, तो मेनोपॉज तक पहुँचते पहुँचते इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. फिर उसके बाद दूसरे हैं इसके एक्साइटिंग कॉज, जो अस्थमा करते हैं, अस्थमा करने के मेन कारण हैं. उनमें से सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द वैरायटी ऑफ एलर्जन. एलर्जन इनहेल्ड भी हो सकते हैं, इंजेस्टेड भी हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स है, फीदर्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, हाउस डस्ट है, फ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर खाने वाली चीज़ें हैं, फिर उसके अलावा कोई फंगस के स्पोर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसको हाइपर सेंसिटिविटी के कारण अस्थमा क्रिएट करती हैं. दूसरा इसमें आ जाता है ड्रग्स एंड केमिकल. किसी ड्रग्स से, किसी को केमिकल से एलर्जी हो, जैसे किसी को प्रिंटर इंक से एलर्जी है, किसी को एस्प्रिन से एलर्जी है, किसी को टिंचर आयोडीन से एलर्जी है, पेंसिलिन से एलर्जी है, सब कारण ये अस्थमा के अटैक के कारण बन जाते हैं. फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई डिजीज़ हो, जिसके कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बंद हो जाए, जैसे कि साइनोसाइटिस है, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, जो बार बार जुकाम होने से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसको हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस कह देते हैं. इसके अलावा नेजल पॉलिप हैं, वो भी इसके रास्ते को कम कर देते हैं. फिर कुछ डिजीज़ हैं लंग्स वाली, जो इसके लंग्स के स्पेस को कम कर देते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये सभी चीज़ें इसको रास्ते को नैरो कर देती हैं.
तो इनके अलावा एक होता है रिफ्लेक्स कॉज। रिफ्लेक्स कॉज में क्या है, कॉन्स्टिपेशन के कारण अपने इंटेस्टाइन में हवा इकट्ठी हो जाती है, वो डायाफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसके कारण अस्थमा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है रात का खाना, हैवी खाना खा लेने से कई बार लंग्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो भी अस्थमा के कारण बन जाता है, पर ये चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है, जो पर्सन हर एक वेदर में रहना पड़ता है, जिनको दे आर एक्सपोज टू ऑल वेदर, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको भी अस्थमा आने के चांसेस कुछ हद तक बन जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है, इसके तीन टाइप हैं इन्हीं कारणों के बेस पे। एक एक्सट्रिंजिक सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये एलर्जिक है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और ये बच्चों में मिलता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद है इंट्रिंजिक है, जिसके अंदर वाले कारण है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, नेजल पॉलिप है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये चीज़ें। तीसरा है मिक्स्ड, जो कोई कारण इन दोनों में नहीं फिट आता है उसको मिक्स टाइप कह देते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स कॉज हो गया या ऑल वेदर हो गया, ये मिक्स टाइप में आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके साइंस एंड सिम्टम। सिम्टम में क्या है, अभी इसका सबसे मेन फीचर है पैरोक्सिमल नेचर कहते हैं। अभी पेशेंट आपको बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा, जब भी उसको हाइपर सेंसिटिविटी होगी, एलर्जी होगी, वागस नर्व स्टिमुलेट होगी, तो उस टाइम पे अटैक आएगा, तो ये इसकी पैरोक्सिमल नेचर है। पेशेंट को अटैक कभी भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, जब भी अटैक आएगा पेशेंट वेकअप विद द फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट, क्योंकि उसका जो बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया, सांस अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसके कारण उसको टाइटनेस महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट वेकअप विद द फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट, ही बिगिन्स टू वीज, वीजिंग, सीटें बजनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि रास्ता बाहर निकलने का रास्ता नैरो है, और गास्पिंग, सांस लेने के लिए उसको वह छटपटाता है। अब ये जैसे जैसे दौरा बढ़ता जाता है उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होती जाती है। ये अटैक कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रह सकता है। जब ये कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रहता है उसको स्टेटस अस्थमेटिकस कह देते हैं। जब अटैक सबसाइड करता है कुछ मिनट के बाद, तो पेशेंट की ब्रीदिंग ग्रेजुअली ईजी हो जाती है, क्योंकि उसका जो म्यूकस है उसको वो एक्सपेल कर देता है, एक्सपेक्टोरेट कर देता है। कई पेशेंट में तो यूरिन भी पास हो जाता है। तो ये हो गया अभी इसके सिम्टम। फिर उसके बाद है इसके साइंस। पेशेंट को अब जब देखने जाते हो तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, पेशेंट आपको हमेशा सिटिंग पोजीशन में मिलेगा। सिटिंग पोजीशन में मिलने का कारण है भी डायाफ्राम उसका थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लंग्स को एक्सपेंड करने में थोड़ा सा ईजी महसूस होता है। तो पेशेंट इज़ ऑलवेज सीन सिटिंग इन अपराइट इन द बेड, स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग। और अटैक अगर सीवियर हो तो पेशेंट बेड को छोड़ के किसी खिड़की के सहारे किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो जाएगा, ताकि उसकी एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन उसको रेस्पिरेट करने में, इंस्पिरेट करने में उसको हेल्प कर सकें। इसके अलावा क्या है, जब सांस प्रॉपरली नहीं आता तो उसके कारण पेशेंट को एनोक्सिया हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, जिसके कारण उसके लिप्स, उसके नोज, ये नीले हो सकते हैं, और ये चांसेस कम होते हैं। इंस्पेक्शन करने पर पेशेंट की चेस्ट इन्फ्लेटेड कंडीशन में मिलेगी, जैसे कि गुब्बारे को फुला के छोड़ देते हैं। इन्फ्लेटेड कंडीशन इसलिए मिलती है क्योंकि एक्सपीरेशन उसकी बंद है, इंस्पिरेशन हो नहीं पाती, तो उसके लंग्स इन्फ्लेटेड कंडीशन में मिलते हैं। इसके अलावा फिर आप उसकी परकशन नोट करते हो। परकशन में क्या है, उसको एयर कलेक्ट होने के कारण उसको हाइपर रेजोनेंट मिलती है, जैसे अंदर हवा भरी हो, उसको एम्फिसीमा कहते हैं, कलेक्शन ऑफ द एयर इन द लंग्स। फिर इसके बाद स्टेथोस्कोप लगा के ऑस्कल्टेट करते हैं। ऑस्कल्टेट में क्या है, उसका जो एक्सपीरेशन के दौरान रास्ता बंद है तो उसके कारण ड्राई साउंड्स आती हैं, उनको रोंकाई कहते हैं। इतनी ऊंची रोंकाई सुनाई देती हैं कि आपको स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरे कमरे से भी सुनाई देती हैं, तो इनको लाउड सिबिलेंट रोंकाई कहते हैं। फिर उसके अगर पेशेंट की स्पूटम एग्जामिनेशन करोगे तो स्पूटम में ईसिनोफिल मिलते हैं, और ईसिनोफिल के ऊपर कार्बन डिपॉजिट हो जाने से उनके चारकोट-लेडन क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में पता चलता है। फिर क्या है, म्यूकस के साथ साथ उसके एपिथेलियल सेल जो डैमेज हो जाते हैं उनके मिलने से उनके लंबे लंबे रेशे बन जाते हैं, उनको कर्समैन स्पाइरल्स कहते हैं। ये अस्थमा अगर क्रॉनिक हो जाए, काफ़ी देर तक चलता रहे, तो छोटे बच्चों में चेस्ट डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है और बड़े लोगों में एम्फिसीमा कलेक्ट बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।